बोले हमारा नाम है विश्वामित्र, मैं सारे विश्व को अपना मित्र बनाने का अभियान चला रहा हूँ। तो कहा उसमें हमारा क्या होगा, हमारी क्या मदद कर पाओगे। कहा मदद ये करूंगा मैं कि मैं जनक की बेटी का दशरथ के बेटे से विवाह करा दूंगा, उससे क्या होगा। कहा उससे कुछ नहीं होगा, आपकी कोई मदद नहीं, जो होना था वो तो हो गया, वो छोड़िए उस बात को। तो कहा विवाह इसलिए करा दूंगा मैं कि जिस समय रावण लेके भागेगा जानकी जी को, तब हम दोनों महात्मा इनके पास चल के पूछेंगे कि अब बताइए ये मामला जनकपुर का है कि अयोध्या जी का है। अयोध्या की फौज आएगी युद्ध करने की जनकपुर की फौज आएगी। माताओं बंधुओं कहने का अर्थ ये है कि यदि गौतम ऋषि जी के समय राजा प्रतिकार कर देते, इंद्र का विरोध कर देते, तो जयंत की हिम्मत न पड़ती जानकी माता के पैर में चोंच मारने की। शुरुआत वहीं से हुई, अपराध का प्रतिकार नहीं किया गया। राम जी ने कहा एक बात बताइए गुरुदेव, एक राजा आकर के अगर इस प्रकार का अपराध करता है तो उसका राजाओं का फर्ज है कि उस राजा को दंड दें या उसका प्रतिकार करें, उसका विरोध करें। ये राजा कहां चले गए थे, ये राजा कहां मर गए थे गुरुदेव। तो विश्वामित्र जी ने कहा बेटा, उन्हीं भोग विलासवादी राजाओं की सड़ी गली संस्कृति, सड़ी गली मानसिकता का तुमको दर्शन कराना है। वो राजा कहाँ चले गए और क्या कर रहे हैं, उन्हीं का दर्शन कराने तुमको धनुष यज्ञ में ले जाना है। अभी पहले इसका उद्धार कर दो। भगवान ने कहा ये क्या चाहती है गुरुदेव। राम जी कहते हैं ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीर, ये चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये आपके चरण कमलों की रज चाहती है। तो भगवान ने तुरंत चरण स्पर्श कर दिया। तो परसत पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही अतिशय बड़ भागी देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई कर जोरी रही। हाथ जोड़ के अहिल्या खड़ी है, अहिल्या माता। भगवान ने कहा मैं बड़ा शर्मिंदा हूं माता, माता आपको मुनिवर ने श्राप दिया, मुझे बड़ा दुख है, मैं उसके लिए बहुत कष्ट है मुझे, आपको इतना प्रतीक्षा करना पड़ा, आप शिला बनी रही, मुझे बड़ा दुख है माता। हम लोग सांत्वना देते हैं ना किसी को, कभी कुछ गमी हो जाती है, कुछ दुख हो जाता है, बड़ा दुख है माता। तो माता ने कहा प्रभु आपको होगा दुख, मुझको तो बहुत प्रसन्नता है इस बात की। अरे ऐसा श्राप उन्होंने दिया कि श्राप तो दिया एक और वरदान मिल रहे हैं दो दो मुझको। क्या मतलब माता। माता हिल्या कहती है प्रभु मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना देखाऊं भरी लोचन हरि भव मोचन इहै लाभ शंकर जाना। आज मैं उन प्रभु को देख रही हूँ अपने सामने, कोई प्रयास के बिना, मुझे नहीं दौड़ लगाना पड़ा, जो भगवान शंकर सदैव अपने हृदय में रखते हैं। कहा अच्छा माता। और कहा हाँ प्रभु वरदान नंबर दो कि जे ही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई तो शिव शीश धरी सोई पद पंकज जे ही पूजत अज मम सिर धरे उ कृपाल हरी। अरे जिन चरणों की रज के लिए, जिन चरणों के दर्शन मात्र के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ध्यान लगाए रहते हैं, आज वो चरण प्रभु स्वयं आकर के मेरे मस्तक पे रखे, दो दो लाभ हुआ के नहीं प्रभु। इस प्रकार माता अहिल्या को भगवान ने तारा। माता गंगा का दर्शन करके, ध्यान दीजिएगा बड़ा सुंदर भाव है, माताओं बंधुओं भगवान दुखी हो गए। उन्होंने कहा तो विश्वामित्र जी ने पूछा राम दुखी क्यों हो, उदास क्यों हो। राम जी ने कहा मैं इसलिए उदास हूं गुरुदेव कि देखिए तो मैं यहां से गुजरा तो मैंने अहिल्या माता को तार दिया, लेकिन प्रभु यदि मैं हर जगह से नहीं गुजर पाऊंगा तो कहां कहां किस किस को उद्धार करता घूमूंगा, इतनी बड़ी सृष्टि है किस किस का उद्धार करूंगा प्रभु। विश्वामित्र जी ने कहा राम जहां से तुम गुजर जाओगे उनका उद्धार तो तुम कर दोगे, और जिनका तुम उद्धार नहीं कर पाओगे, जहां से नहीं गुजर पाओगे
उसके लिए तुमने पहले से एक व्यवस्था कर रखी है। क्या व्यवस्था है? तो चले राम लक्ष्मण मुनि संगा और गए जहां जग पावनी गंगा, माता गंगा के दर्शन कराए। राम ये आपके चरणों से ही निकली है, गंगे तव दर्शनात मुक्ति। हम लोग जिन माता गंगा की बैठ में गोद में बैठ करके ये कथा श्रवण कर रहे हैं माताओं बंधुओं, तो माताओं बंधुओं राम जी का इतना सुनना था कि और दुखी हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब क्यों दुखी हो रहे हो? भगवान श्री राम ने कहा, मैं इसलिए दुखी हो रहा हूं प्रभु कि कुछ के अपराध तो मैं दूर करूंगा, उद्धार करूंगा, उनके पाप समाप्त करूंगा, और कुछ के पाप माता गंगा दूर करेंगी। तो क्या इस संसार में, इस सृष्टि में लोग केवल यही करने आए हैं कि पाप करेंगे और पाप धोएंगे आकर के, चाहे हमारे चरणों में चाहे माता गंगा के स्नान करने से? आप बताइए, आप कल्पवास जो लोग कर रहे हैं, जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं और वो आकर के माता गंगा में स्नान कर ले रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो आपके पाप धुल जाएंगे? यदि आप हृदय से निर्मल नहीं हैं, तो माता गंगा में स्नान करना केवल जल में स्नान करने के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, भाव के बिना, निर्मलता के बिना कैसे आप उद्धार पा पाएंगे? भगवान दुखी हो गए, उन्होंने कहा, प्रभु एक बात बताइए, कुछ के पाप मैं नष्ट करूं, कुछ के पाप माता गंगा नष्ट करें, तो क्या हम लोग यहाँ पे सब पाप ही करने आए हैं क्या? ये पापियों का समाज बनाया क्या मैंने? विश्वामित्र जी ने कहा, राम सिक्के के दो पहलू होते हैं, तुम दुखी मत हो। तुमने अभी तक जिन लोगों को देखा, ये ताड़का, ये सुबाहु, ये मारीच, ये इंद्र की घटना सुन रहे हो आप, जैसे शराब, जैसे मान लीजिए मदिरालय जाएं तो सब शराबी शराबी लगते हैं, दुनिया शराबी है, और मंदिर जाएं तो सब भक्ति भक्त लगते हैं। तो उसी प्रकार भगवान से विश्वामित्र जी ने कहा, राम अभी तक तुमने इन पापियों का दर्शन किया, कारण कारण क्योंकि अभी तक तुमने जहां जहां से तुम घूमे हो वो सब देहवादी परंपरा के लोग हैं, जो इस क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा, इस शरीर को सुख देने में लगे हुए हैं, देह की संतुष्टि में लगे हुए हैं, तो देह की संतुष्टि के लिए तो पाप करेगा ही व्यक्ति। तो कहा, अभी तक तुमने इन देहवादी परंपरा के लोगों को देखा है, इसलिए तुम्हें पापी पापी दिखे। आओ तुमको अब ऐसे एक नगर में ले चलूं जो देहवादी परंपरा से बिल्कुल भिन्न है। कौन सा नगर प्रभु? तो हर्षि चले मुनि ब्रंद सहाया और बेगी विदेह नगर नियराया, जो इस देहवादी परंपरा से ऊपर का नगर है पूर्व रम्यता। राम जब देखी हर्षे अनुज समेत विशेखी, बापी कूप सरित सरनाना। वाह, जनकपुर का दर्शन कर रहे हैं प्रभु। सलिल सुधा सम मनीषो पाना, फुलक बाटिका बाग बन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहतपुर चहुपास। देखिए माताओं बंधुओं, गोस्वामी जी ने शहर कैसा हो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हैं। शहर में चारों तरफ आजकल जैसे सिटीज बनती है ना, लोग नगर बनाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, वृंदावन आप जाएंगे तो छोटी छोटी उसके अंदर कॉलोनीज कटती हैं, पहले पेड़ लगाते हैं, आप लगाना शुरू किए, पहले पेड़ काटे जाते थे। जनक जी के जनकपुर का दर्शन करिए, चारों तरफ अपने रहने से बाद अपने रहने के लिए बाद में व्यवस्था है, पहले फूलत फलत सुपल्लवत सोहतपुर चहुपास, विपुल विहंग निवास है चारों तरफ, पंछियों के लिए निवास है। आज पेड़ कट रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। अब देख रहे हैं राम जी, बनई न बरनत नगर निकाई और जहां जाई मन तहई लुभाई। ये भी शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां जाओ वहां एक जैसा ही लग रहा है शहर, सब जगह एक जैसी सुंदरता है। ध्यान दीजिएगा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आज के युग में एक ही शहर है जो पकड़ पाया है थोड़ा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ है जो बहुत प्लानिंग से बना है, पार्क कैसे रहेंगे, चौराहा कैसा रहेगा, सड़कें कैसी रहेंगी, अब धीरे धीरे और बन रहे हैं, उसके लिए तोड़फोड़ हो रही है, जैसा जो हो रहा है, एक वही पकड़ पाया है कि जहां जाई मन तहै लुभाई। गोस्वामी जी न जाने कब लिख चुके हैं,
अति अनूप तह जनक निवासु और बिथ कहीं विबुध बिलोकी विलासु धवल धाम मनि पुरट पट सुघटित नाना भांति सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जाती। माता जानकी का निवास भी बड़ा सुंदर है, जनक जी का निवास भी बड़ा सुंदर है। माताओं बंधुओं, सुंदरता तो सब जगह देख रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र जी की इच्छा हुई एक पेड़ के नीचे रुकने की, एक पेड़ के नीचे बस। देखी अनूप एक अवराई और सब सुपास सब भांति सुहाई। आम के नीचे रुक गए, आम के नीचे। तो जैसे ही आम के नीचे रुके तो विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी महाराज का एक बात बताइए मुनिवर, यज्ञ की रक्षा कराने लाते हो और एक यज्ञ की रक्षा भी करा दी, जल्दी से दूसरे यज्ञ की रक्षा कराइए, हम घर जाना हमें। कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये कि हम चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं, अब आप आम के नीचे और कितने दिन रुकवाएंगे? जब देखो पेड़ के नीचे रुकवा दे तो कुछ व्यवस्था भी करो हमारी, हम लोग राजकुमार हैं। तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा ऐसा है बेटा, अभी 14 वर्ष आम के नीचे ही रुकना है, गुरुदेव हूँ, अभी से ट्रेनिंग लेना प्रारंभ कर दो, इतने भोग विलास में अभी से मत लगो, सुख सुविधा में। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्या मतलब? कहा मतलब ये है कि हम महात्मा है महात्मा, और महात्मा ऐसे नहीं सब जगह जाते हैं और राजाओं के यहाँ बोलते हैं कि हमारी व्यवस्था कर दो, जिनकी 100 बार गरज हो हमसे मिलने आए, हम क्यों किसी से मिलने जाए, महात्मा है हम। बहुत अच्छा शेर मुनव्वर राणा साहब कहते हैं माताओं बंधुओं कि कलंदर संग मरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर संग मरमर के मकानों में नहीं मिलता, और मैं असली घी हूँ बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। तो जैसे बनिए की दुकान में असली घी नहीं मिलता, वैसे ही विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि कलंदर भी ऐसे नहीं घूमता फिरता हर जगह। तो लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा नहीं जाते आप संगमरमर में, तो हमारे यहाँ क्यों आ गए थे हमारे राजमहल में? तो विश्वामित्र जी ने कहा हम इसलिए आपके यहाँ आ गए थे क्योंकि देखिए राजाओं के यहाँ संगमरमर के बड़े बड़े महलों में राजा रहते हैं, हम वहाँ नहीं जाते, लेकिन जिस भवन में साक्षात भगवान रहते हैं वो राजमहल नहीं वो मंदिर बन जाता है, और मंदिर में जाने के लिए ना कोई अभिमान ना कोई गर्व ना कोई द्वेष होता है, मंदिर में तो हम यूं ही चले जाते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा मंदिर में आप चले जाते हैं तो एक बात बताइए कि कुछ मिला मंदिर में गए तो? ऐसे कैसे दिख रहे हैं आप भगवान के पास? भगवान तो कहते हैं मोर दरोस अमोक जगमाई, आप तो वैसे के वैसे कुछ पाए? विश्वामित्र जी ने कहा क्या नहीं पाए? अरे भाई फकीर बन के गया था और राजा बन के लौट रहा हूं चक्रवर्ती सम्राट, इससे ज्यादा और क्या पाएंगे? तो कहा कैसे? कहा अभी आपने कहा ना कि आप चक्रवर्ती के बेटे हैं, चक्रवर्ती सम्राट के, तो आपके पिता ने हमको सौंपते समय यही बात तो कही थी कि मोरे प्राण नाथ सुत दो, लेकिन तुम हो मुनि पिता आन नहीं को। अब आप पिता हैं तो जैसे ही आपके पिता बने चक्रवर्ती सम्राट तो हो ही गए। तो कहा भगवान ने कहा ठीक है प्रभु, जहाँ कहेंगे हम वहीं रुके जा रहे हैं। समाचार मिथिलापति पाए कि विश्वामित्र महामुनि आए, संग सचिव सुचि भूरी भट भूसुर बर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव यही भांति। माताओं बंधुओं, विश्वामित्र जी की जनक जी से भेंट हो गई है, जनकपुर में विश्वामित्र जी महाराज पहुंच गए हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय सिद्ध करण हनुमान, सनातन धर्म की जय हो।
तीर्थराज प्रयाग की जय हो। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी विद्यागिरी जी महाराज की जय हो। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। समस्त संतगणों की जय हो। समस्त भक्तगणों की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रथम तो प्रणाम करते हैं तीर्थराज प्रयाग को, जिनकी कृपा से हम और आप यहाँ कल्पवास कर पा रहे हैं और भगवत चर्चा निरंतर हर एक शिविर में संत सभा चहुं दिशी अवराई सब जगह संतों के द्वारा उनके मुखारविंद से राम कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। मेले के विषय में एक बड़े अधिकारी ने मुझसे कहा था कि ये पूरा मेला न कोई बिजली न कोई पानी न कोई पुलिस विभाग कुछ नहीं संभाल रहा, ये सारा मेला परमात्मा संभाल रहे हैं। और वो आज वो वही एसपी साहब आज आए हैं जिनके बारे में बात कर रहा था। अभी एक डेढ़ घंटे में वापस आएंगे, तब तक कथा आज राम विवाह है और क्योंकि पूरे मेले की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है तो ये तो स्वाभाविक है कि व्यस्तता उनकी लाजमी है। और बहुत धार्मिक, बहुत मानस प्रेमी, भागवत प्रेमी माने इस विभाग में होने के बाद उसमें अपवाद है वो, तो इसलिए ऐसे हमारे पुणेंद्र सिंह जी बहुत आशीर्वाद है उनको। माताओं बंधुओं हमारे सब भैया जी लोग पधारे हैं उन्हीं के साथ सबका स्वागत है। मुझे लगता है माता पिता है उनके, वाह क्या बात है, देखिए क्या बात है, बहुत सुंदर क्या बात है। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु चरण अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तो जिनका ऐसा पुत्र हो पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। तो मैं आपको ये बता दूं कि एसपी साहब से एक बार मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा महाराज जी अगर मुझे कहीं पता पड़ जाता है कि कोई रामचरित मानस खरीद रहा है तो मैं उसको पैसे नहीं देने देता, पैसे मैं स्वयं अपनी जेब से देता हूँ। तो इतने मानस प्रेमी वो, इतने भगवान राम के कथा के प्रेमी। एक बार मेरी केवल कथा लखनऊ में उन्होंने सुनी और उसके बाद उनका ये प्रेम भगवान राम के प्रति हमारे प्रति कि हम मेला आ नहीं पाए, उससे पहले उनके फोन आ गए थे कि महाराज जी आप कब पधार रहे हैं मेला में और कब आपके साथ हम सत्संग कर पाएंगे। तो बहुत बहुत साधुवाद है, बड़े आप लोग सौभाग्यशाली हैं ऐसे पुत्र कि आप लोग माता पिता हैं। माताओं बंधुओं हम लोग कल चर्चा कर रहे थे भगवान श्री राम जनकपुर में प्रवेश कर गए और आज प्रयास करेंगे कि भगवान श्री राम के विवाह की हम लोग चर्चा कर पाए, धनुष यज्ञ में भगवान श्री राम के विवाह का उत्सव मना पाए। इसलिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि 9 दिन में राम राज्य राज्य अभिषेक भी हो जाए, इसलिए क्रमबद्ध हम लोग आगे चल रहे हैं। कल हम लोगों ने जहां पे विराम किया था प्रसंग था कि जनक जी महाराज को जैसे ही ये पता पड़ा कि विश्वामित्र जी महाराज प्रभु श्री राम के साथ पधार गए हैं तो संग सचिव सुचि भूरी भट भूसुर बर गुरु ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक मुदित राव यही भांति। तो जनक जी देखिए सूत्र दिया है कौन कौन साथ में गया, संग सचिव सुचि भूरी भट जितने भी लोग गए, कहने का अर्थ है गोस्वामी जी सूत्र दे रहे हैं कि आप जिनको साथ ले जाए ना वो पवित्र मन के हों। यदि आप कहीं महत्वपूर्ण जगह जा रहे हैं और यदि आप संत से मिलने जा रहे हैं तो संत से मिलने जाने में ये बड़ा आवश्यक है। होता क्या है कि बड़ा व्यक्ति तो बड़ा होता है, उसमें तो बड़प्पन होता है, चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे बड़ा महात्मा हो, लेकिन उनके साथ जो लोग रहते हैं ना छोटे वो गड़बड़ कर देते हैं, वो कभी कभी हल्की बात कर देते हैं और सामने वाला क्योंकि उस बड़े व्यक्ति के सम्मान में कुछ कह भी नहीं पाता लेकिन मन में तो लग जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला ये समझता है कि भाई जब इनके सेवा कैसे है तो स्वामी भी ऐसे ही अवश्य होगा। तो आपके इमेज का प्रतिपादन वो सेवक कर रहे हैं। तो अच्छा बड़ा आदमी ये बात संभव नहीं है कि सब पर नजर रख पाए, छोटे लोग कहाँ किससे बात कर लिए, किससे झगड़ा कर लिए, किससे बहस कर लिए, वो बेचारा कहाँ कहाँ क्या क्या देखेगा। इसलिए परम आवश्यक है कि जो साथ में जाए वो संग सचिव सूची, सूची इसलिए बीच में लगाया, पवित्र मन के लोग हो, साफ मन के लोग हो,
निर्मल मन के लोग हों, तो कुशल प्रश्न करी बारही बारा, विश्वामित्र निकट बैठारा। विश्वामित्र जी ने बगल में बैठा लिया, ते ही अवसर आए दो भाई, और गए रहे देखन फुलवाई। प्रभु श्री राम भी चले आ रहे हैं, उठे सकल जब रघुपति आए। फिर देखिए आप, अंग्रेजी में एक शब्द है परसोना, आपका आभा मंडल, आपका प्रभाव। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की कोई बहुत बड़ी आयु नहीं है, और वहां जो लोग बैठे हैं उनमें सबसे मुख्य तो चक्रवर्ती सम्राट जनक जी महाराज हैं, लेकिन इसे कहते हैं आभा मंडल। आपका प्रभाव सदैव याद रखिएगा माताओं बंधुओं, आपका प्रभाव ऐसा होना चाहिए, और वो आपका प्रभाव आपकी तपस्या से आएगा, आपके गुणों से आएगा, आपके अभिमान से नहीं आएगा, आपके एटीट्यूड से नहीं आएगा। ध्यान दीजिए, आपका प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि आप जहां पर जाएं, आप जहां पर जाके खड़े हो जाएं, दिख जाएं, तो आपके सम्मान में लोग भी खड़े हो जाएं आपको देखकर, ये होना चाहिए आपका प्रभाव। लेकिन आप जब बैठे ना, तो आपके बगल में बैठने पर व्यक्ति को हिचकिचाहट ना हो, भय ना हो, संकोच ना हो, ये होना चाहिए आपका स्वभाव। स्वभाव और प्रभाव में यही अंतर है। जब आप खड़े हो तो आपके सम्मान में लोग खड़े हो जाएं, और जब आप बैठे हो तो आपके बगल में बैठने में किसी को हिचकिचाहट ना हो, आप इतने क्रोधी और अभिमानी ना हो कि कोई आपसे बात ना कर पाए, ऐसा स्वभाव व्यक्ति को डेवलप करना चाहिए। तो देखिए, कुशल प्रश्न करी बारही बारा, विश्वामित्र निकट बैठारा, ते ही अवसर आए दो भाई, और गए रहे देखन फुलवाई। जैसे ही जनक जी महाराज और सबने देखा, तो उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। विश्वामित्र जी निकट बैठाया, तब तक क्या हुआ जानते हैं? जनक जी महाराज ने जैसे ही देखा ना प्रभु श्री राम को, तो जनक जी महाराज जी बेहोश, जैसे विश्वामित्र जी बेहोश हुए थे। मूरति मधुर मनोहर देखी, और भयउ विदेह विदेह विशेखी। जनक जी भी बेहोश हो गए, तो उनको भी पानी छिड़का गया। क्या हो गया राजन, क्या हो गया, क्यों बेहोश हो गए? तो उठते ही पूछते हैं, राजन मुनिवर, अरे मुनिवर सच सच बताइए, ये दोनों कौन है, हमको ये बात सच बताइए, ये कौन है? तो विश्वामित्र जी ने कहा, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप, कौन है, ऐसा क्यों आपने पूछा? बोले नहीं नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं सच सच की, लगता है कि आप झूठ ना बोल दे हमें कहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? बोले कहो नाथ सुंदर दो बालक, ये मुनि कुल तिलक किन्नरप कुल पालक। ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ी में जनक जी महाराज, अच्छा शब्द तो ये है, उत्तम तो ये है कि मुनि कुल पालक होता है और नृप कुल तिलक होता है, राज तिलक होता है और मुनिवरु के यहाँ भिक्षाम देही पालन पोषण चलता है। लेकिन हड़बड़ी में कह रहे हैं, कहो नाथ सुंदर दो बालक, ये मुनि कुल तिलक किन्नरप कुल पालक। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं आप? बोले क्योंकि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ये उभय बेश धरी की सोई आवा। जो बड़े बड़े ब्रह्मों ने नेति नेति भी जिनका निरूपण किया है, वो कहीं सामने तो नहीं आ गए वही दोनों उभय बेश धर के? तो विश्वामित्र जी ने कहा, आपको ऐसा क्यों लगा कि वही आ गए? तो उन्होंने कहा, बताएं क्यों लगा, बताइए। माताओं बंधुओं, कथा आती है कि एक बार जनक जी महाराज के पास अष्टावक्र जी महाराज गए, और दोनों में चर्चा हुई, उसे अष्टावक्र गीता के नाम से हम और आप जानते हैं। तो क्या हुआ, जब अष्टावक्र जी विदा लेने लग गए, तो जनक जी ने कहा कि मुनिवर आपको भेंट में क्या दूं? तो अष्टावक्र जी ने कहा, अच्छा बड़े अभिमान से बोल रहा हो राजन, क्या दूं आपके पास, आपका है ही क्या जो आप देंगे? तो जनक जी ने कहा कि आप ऐसी बात मत करिए, अरे भाई विद्वान तो थे ही जनक जी। उन्होंने कहा, देखिए मेरे पास एक चीज मेरी है, वो है मेरा संकल्प और विकल्प से भरा मन, कहिए तो आपको मैं वो दे दूं। तो जनक जी से अष्टावक्र जी ने कहा, दे दीजिए। जनक जी ने कहा, फिर आप हमें क्या देंगे?
तो अष्टावक्र जी ने कहा कि हम आपको देंगे, कुछ ना कुछ देंगे, आप निश्चिंत रहिए। जनक जी बोले क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कुछ है नहीं, संकल्प और विकल्प से भरा मन। और मैं एक बात सदैव कहता हूं माताओं बंधुओं, आप भी ध्यान रखिएगा, हमारे आपके पास भी अगर कोई अपनी चीज है तो वो है संकल्प और विकल्प से भरा मन। बस पहले हम किसी बात का संकल्प करते हैं और फिर उस संकल्प को जब पूरा होता नहीं देखते तो उसमें विकल्प खोज लेते हैं। कोई भी इस संसार में भाई, कभी कभी मैं उदाहरण देता हूं, सबसे ज्यादा तो मुझे देखने में लगता है उन लोगों को जो एक आधा दिन का उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, उनको आप देखिए, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा भोजन 90% लोग तभी करते होंगे जब उनका उपवास रहता है, चाहे वो फलाहार में कुट्टू के आटे की पूड़ी हो और चाहे राजगीर का चावल हो और चाहे आलू उबाल के खाए, चाहे मूंगफली उबाल खाए, सुबह से शाम तक उस दिन भोजन ही करते रहते हैं। बस कहने को है कि फलाहार कर रहे हैं, किया है व्रत, संकल्प लिया है, व्रत का ही अर्थ संकल्प है, और कर रहे हैं पूरा सुबह शाम तक भोजन कर, ये है विकल्प। विकल्प तो ऐसा विकल्प खोजने से क्या अर्थ है आप बताइए? तो कहने का अर्थ है संकल्प और विकल्प ही हम लोगों के पास मन में है, संकल्प विकल्प से भरा मन। जनक जी ने कहा मेरे पास भी वही है, कहिए तो आपको दे दूं, लेकिन मेरे पास क्या बचेगा? अष्टावक्र जी ने कहा चिंता न करिए, हम भी आपको कुछ अच्छा ही देंगे। और अष्टावक्र जी ने उनको दे दिया ब्रह्म सुख, जो ब्रह्म में लीन रहते हैं जनक जी महाराज सदैव, जो विदेह राज हैं वो, देहवादी परंपरा से ऊपर अष्टावक्र जी ने दिया। आज जब जिन निर्गुण निराकार परमात्मा में जनक जी महाराज लीन रहते हैं, उन निर्गुण निराकार परमात्मा को सामने देख रहे हैं तो जनक जी महाराज का मन डोल रहा है, अरे मैं निर्गुण निराकार में लीन रहने वाला, ये सगुण साकार में क्यों मेरा मन चला जा रहा है? कहते हैं विश्वामित्र जी से, मुनिवर मुझको सच सच बताइए, ताते प्रभु पूछो सती भाओ, कहो नाथ जन करिए दुराओ, कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, ये उभय बेश धरी की सोयावा, सहज विराग रूप मन मोरा। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बोले क्योंकि मैं तो सहज वैरागी हूं, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, और बरबस ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। बरबस वो ब्रह्म सुख जो अष्टावक्र जी ने दिया था, जाने कहां मेरे हाथों से फिसलता जा रहा है। माताओं बंधुओं इतना कहना था कि विश्वामित्र जी महाराज प्रसन्नता में हाँ बोल दिए। ध्यान दीजिएगा, कई बार होता है ना, कई बार होता है कि हम कोई राज छुपा के रखते हैं बड़ी खुशी का, और सामने वाले को मालूम पड़ जाता है किसी ना किसी प्रकार से, तो आपसे कहता है क्यों जी आपने हमको नहीं बताया और ऐसा ऐसा कर लिया। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, कई बार जब बच्ची का रिश्ता तय हो जाता है या बच्चे का रिश्ता तय हो जाता है, तो आज के समाज में तो क्या मालूम आखिरी दिन भी लड़का सगाई तोड़ दे तो क्या कह सकते हैं।